लेकिन वादा करते हैं, हम गारंटी लिख के देते हैं, हमसे बेहतर कोई ना तो झारखंड के शिक्षा नीति को समझता है, ना तो नियोजन नीति को समझता है, ना तो विस्थापन नीति को समझता है, ना तो स्थान नीति को समझता है, ना तो 1932 से खतियान को समझता है। चले जितनी नीतियां हुई है सबके बारे में कुल बात किए हैं, हम बहुत कम भूमिका में रहे, बहुत कम भाषण दिए हैं, लेकिन कितना दिए हैं, विस्तृत दिए हैं, संविधान के सब दिए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन दिए हैं, ऑथेंटिक दिए हैं, ये और हमें जरा मात्र अगर ये त्रुटि में दिया है तो उनको पता था कि अगर त्रुटि हम फटने कर पाएंगे तो केवल मोतीलाल मातो या जरा मातो डूबरे चल गए तो बस एक ही व्यक्ति बचता था, मोतीलाल मातो। तो क्या करते जब उन्होंने चुना है तो आप स्वीकार कीजिए, स्वीकार कीजिए, वादा करते हैं हम आपको दारू नहीं देंगे, शुगर नहीं देंगे, पेट्रोल नहीं देंगे, खस्सी नहीं देंगे, नहीं दे पाएंगे और देंगे भी कभी, पैसा नहीं दे पाएंगे, लेकिन वादा करते हैं अगर हम लोग को वहां सदन में भेजते हैं, अगर जयराम माथुर के नेतृत्व में अगर सरकार हमारी बनती है, अगर हमारी मेजोरिटी रहती है तो वोट भर के देते हैं, फिर डिफेंड करके देते हैं कि हम वो खतियान भी लागू करके दिखा देंगे, वो नियोजन नीति भी और विस्थापन नीति भी और टोटल किस नीति को लागू करके दिखा देंगे। अरे कुछ नहीं चाहिए 1932 बनती, अरे कुछ नहीं है, एक स्पेशल प्रोविजन लाना है, किसी को अगर नहीं 32 के बारे में पता है तो आके डिबेट करे, कुछ नहीं है, ये छोटा सा बात है, छोटा सा बात। अरे हमारी मांगे क्या है, अगर 100 वो है, 100 रोटी है तो 90 रोटी हमारा मिलना चाहिए, ये हमारा अधिकार है, हमारे बच्चों का अधिकार है, हमारा बच्चा का अधिकार छीनेगा तो हम छोड़ देंगे। तो हम 90 रोटी मांग रहे हैं कि 90 रोटी हमारे बच्चों का होना चाहिए, 10 रोटी आप खाइए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। अगर प्राइवेट नौकरियां हैं तो 75 हमारे बच्चों को होना चाहिए, 25 आपको भी देंगे, हिस्सा देंगे। भारत पूरा मिलके सभी राज्यों को मिलकर अगर भारत बनता है तो ऐसा नहीं करेंगे हम राज्यों को नहीं देंगे, लेकिन सब राज्य ऐसे देता है वैसा ही हम झारखंड भी देंगे। ऐसा नहीं कि 100 में 90 आप ले जाइए, 10 में झुंझुना बजाते रह जाए। अरे ये हो रहा है, ये तभी रुकेगा जब यहाँ स्थानीय लागू होगा, जब यहाँ 1932 का खतियान लागू होगा। अरे इसका कोई विकल्प नहीं, झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है, पूरा ढिंढोरा पीट रहा है, अबुआ राज, अबुआ शासन, अबुआ बोल रहा है, क्या अबुआ है, काहे का अबुआ, 56 का मैनिफेस्टो है, निकाल के देख लिए, पहला मैनिफेस्टो 1932 का खतियान लागू करेंगे, स्थानीय नीति बनाएंगे, नियोजन नीति बनाएंगे, उनका है कि नहीं मैनिफेस्टो में 25 करोड़ का टेंडर जो है वो यहाँ के लोगों को देंगे, 75% प्राइवेट नौकरियां यहाँ के बच्चों को देंगे, क्या मिला ये सब चीजें, आप बता दीजिएगा पूरा हुआ होगा तो, पूरा है नहीं मिला है, खाली ठगने का काम किया। अब ले आया एक मैया सम्मान योजना, एक ले आया गोगो दीदी योजना, एक ले आया कर रहा है बांग्लादेशी। अरे यार तुम सारा मेरे मुद्दा से भटका कह रहे हो, तुम बात करो ना, तुम रोजगार की बात करो ना। आज हमारे झारखंड में करीब 5 लाख नौकरियां हैं जिसमें 3.5 लाख पोस्ट खाली है, वो पोस्ट कैसे नहीं भर रहा, क्यों नहीं भर रहा, हमारे बच्चे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। आज सीजीएल में 6,45,000 लोगों ने फॉर्म भरा है, 6,45,000 लोगों ने केवल फॉर्म भरा है, उसका परिवार को जोड़ दिया जाए तो कितना लाख होता है, उतना लोग दर्द झेल रहे हैं, उतना लोग खून का आंसू बह रहा है, उनका दर्द कौन सुनेगा, उनका पीड़ा कौन सुनेगा। हम इसको बदलाव करने के लिए आए हैं, हम लड़ने के लिए नहीं, हम लड़े, तीन साल लड़े, लड़के देखे सरकार के खिलाफ कि नहीं, आप ही बनाइए स्थानीय नीति, आप ही बनाइए नियोजन नीति, आप ही दीजिए नौकरी, लेकिन सरकार सुनने वाला नहीं था। ये मजबूरन हम लोग को उतरना पड़ा है। मैं तो हम उतना विरोध करने जाते 1932 को लेकर आंदोलन, भाषा को लेकर आंदोलन, 60-40 को लेकर आंदोलन, नियोजन नीति को लेकर आंदोलन, वहां से निकले हैं। इतना दर्द, इतना पीड़ा देखने के बाद हमारा परिचय अगर नहीं जानते हैं तो हम बता देते हैं। मेरा नाम मोतीलाल महतो, हम जेपीएससी का स्टूडेंट रहे, हमने खुद जेपीएससी क्वालिफाई किया है, लेकिन इस सिस्टम का दंश देखिए कि आज आप लोग के सामने है। एक कमरे से 57 लोगों को पास कर दिया जाता, दूसरा कमरे से 57 लोगों को पास कर दिया जाता और हमको फेल कर दिया जाता है, जबकि हमारा उससे ज्यादा नंबर है लेकिन हमको फेल कर दिया जाता है। इस सिस्टम को हमने उसी दिन गांठ बांध लिया था, कलम हम 7 साल घिसे हैं कलम केवल जेपीएससी के लिए, लेकिन 5 साल में एक जेपीएससी दे पाते हैं। जो एग्जाम को सालों साल होना चाहिए वो एग्जाम 5 सालों में एक बार होता है, जिस एग्जाम को हर साल होना चाहिए वो एग्जाम 10 सालों में होता है। ये केवल हम 10 नहीं झेल रहे, आप भी झेल रहे हैं, आपके बच्चे झेल रहे हैं। अगर आपके बच्चे झेल रहे हैं इसका मतलब आप भी झेल रहे हैं, अगर झेल रहे हैं तो इस दर्द से मुक्ति कौन दिलाएगा,
कोई तो आना चाहिए था ना, तो आया है आपके पास, एक मौका आपको मिला है, इसको गवाइए मत। एक जयराम महतो, मोतीलाल महतो नहीं परिवर्तन कर सकते हैं, आप सबको मिलकर लड़ना होगा। केवल हम लोग आप लोग रास्ता दिखा सकते हैं, आप लोग बता सकते हैं कि कहां गलत हो रहा है। गलत नहीं है, पर भक्तवर का फ्रंट पेज खोल के देख लीजिए कल परसों का। हेमंत सोरेन की सरकार बना, हेमंत सोरेन कह रही है 444 इंस्पेक्टर का नियुक्ति हुआ, बोल रहे हम 444 को नौकरी दे दें। अरे तुम नौकरी देने का क्रेडिट ले रहे हो, लेकिन बाहरियों को कितना दे रहे हो, उसका क्रेडिट कहां ले रहे हो तुम? 444 में 310 को बाहर के लोगों को दे दिया, ये क्रेडिट कहां ले रहा चोरा? ये चोरा कहां क्रेडिट ले रहा है? 42 को लेबर असिस्टेंट की वैकेंसी निकला, टीचर का 70,000 सैलरी है, 16 को बाहर के लोगों को, 42 में 16 को दे दिया बाहर के लोगों। क्या हमारे झारखंड में बच्चे नहीं है? अभी धनबाद जिला में आपका आता है, 13 वर्ड हाई स्कूल टीचर का वैकेंसी था जिसका सैलरी 70,000 से 75,000 है, 9 को बाहर के लोगों का हो गया, तो इसका क्रेडिट कौन लेगा चोरा? कौन लेगा? ये मथुरा माधव नहीं लेंगे, ये मथुरा माधव सरकार है, पूछना नहीं चाहिए कि मेरा धनबाद में 9 को सीट कैसे चला गया, बाहर के लोगों को कैसे चला गया। ये मथुरा माधव केवल ये जो बने हुए हैं केवल अपना और अपने झोली भर रहे 15 सालों से, क्या विकास किए भाई, क्या विकास किए? 21 को जरा बता दीजिए। अभी कल मामला देखने को सुनने को मिला है, तब चाची ने सड़क का उद्घाटन किए हैं।